नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की। बिहार के भोजपुर में डेंगू के इलाज व बचाव के लिए प्रचार रथ रवाना। बिहार के भोजपुर के आरा में सदर अस्पताल आरा कैंपस में जीएनएम भवन के सामने जिला मलेरिया कार्यालय द्वारा डेंगू से बचाव एवं इलाज हेतु प्रचार रथ को एसीएमओ भोजपुर डॉक्टर के एन सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार रथ पूरे आरा शहर के साथ साथ हर ब्लॉक में घूमेगा। डॉक्टर के एन सिन्हा ने बताया कि तमाम कोशिश के बाद भी डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, कहीं कहीं राज्य के किसी कोने में कुछ खतरा भी हुआ है। अतः आमजन को डेंगू के प्रति सतर्क रहते हुए अपने घर के आसपास गमले कूलर में पानी जमने नहीं दें, रात में मच्छरदानी लगाकर सोए, पूरे बांह का शर्ट फुल पेंट पहने, बाहर निकले तो ओडोमोस मलहम लगाकर और गंभीर स्थिति में मरीज को अस्पताल में भर्ती कराएं। सदर अस्पताल में डेंगू की जांच एलिसा टेस्ट से हो रहा है और आरा शहर सहित जिले के सभी डॉक्टर से अनुरोध है कि अपने यहां डेंगू के मिले हुए केस का रिपोर्टिंग नियमित रूप से जरूर कराएं ताकि वहां फोगंग कराया जा सके। इस कार्यक्रम में जिला स्वास्थ्य समिति के डीपीएम रवि, डीएमई धनंजय जूनियर रवि तथा मलेरिया कार्यालय से अजीत कुमार पटेल, प्रियंका कुमारी, विनय रामजी बाबू, सद्दाम सुधीर सिंह लोगों ने कार्यक्रम में सहयोग किया एवं जनता को जागरूक किया। जागरूकता ही इलाज है। भोजपुर जिला संवाददाता विजय शंकर ओझा की रिपोर्ट।